और पास में कर लो और कर लो पास कर लो फोटो ले लो फोटो ले लो जी आप लोग में तो सामने आ जाए दो घंटा ये देख रहे हैं आप। अरे सरन भाई ए तुम तो उसी बने ये तो है तो इतने का नहीं आ रहा तुम्हें आओ। अरे कल तो यही ऊपर है झंडा पैसा कितने होगा जब कितना है। ये करीब एक माह से यहाँ स्थान बना के रह रहा है और ये गांव वालों ने बताया कि ये यहाँ 10 बजे करेक्ट घड़ी के टाइम से 10 बजे के लगभग निकलता है और कल मैंने भी देखा कि 4:05 पर वो गायब हो जाते हैं। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे क्या लगता है? इसकी आस्था का विषय है हमारा, इसलिए है आस्था कि एक फुट बाजू में बैठा रहता है और कल तो करीब 15,000 लोगों ने उनके दर्शन किए हैं एक फुट दूर से और किसी से कोई नहीं, वो अपने खड़े बैठे हैं वो कोई क्या चाहते हैं आप इसको रेस्क्यू हम इसको रेस्क्यू नहीं होना चाहिए तो आस्था के बसाय यदि किसी को कोई खतरा हो गया इस खतरा के तो हम देख रेख के लिए जिम्मेवार थे मगर अब आप लोग ले जाना चाहते हैं तो जबरदस्ती आस्था में ले जाएं आप। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। क्या यहाँ मामला क्या है सर? हम लोगों को जानकारी ये लगी है कि यहाँ पर काला सांप निकला हुआ है और लोग आस्था के कारण यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और वो अपने आस्था से जोड़ते हुए यहाँ पर दिनों दिन भीड़ लगती जा रही है। कितने दिन हो गए सर? यहाँ के स्थानीय लोगों का बताना है कि करीबन 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है। क्या लग रहा है कांचली पे सांप या क्या कोई हो गया? सांप कांचली पे तो नहीं है, हमने देखा है उसको उसको हो सकता है अभी जो ठंड का समय चल रहा है ठंड के समय के कारण से सुबह धूप के टाइम पर निकल आता है फिर उसको वहाँ पर उसकी बाम में बनी हुई जो उसकी निवास स्थान है और शाम को वो जब धूप चली जाती है वो अपनी बाम में चला जाता है। क्या इसको आप क्या करने आए हैं? हम उसको रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, उसको पकड़ कर ले जाएंगे और जंगल में छोड़ने के लिए आए हैं लेकिन यहाँ के लोगों का आस्था के कारण से थोड़ा सा हमको दिक्कत जा रही है। अभी लोगों का कहना है कि इसको ना पकड़ा जाए, हमारे आस्था का विषय है इसको। लेकिन ये तो खतरा भी हो सकता है। खतरा है इसके लिए, देखिए एक तो बीच रोड के किनारे पर है, आप भी देख रहे हैं पूरे रोड जाम है, आने जाने के लिए भी परेशानी है। कल को आज आस्था धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो कहीं वो होशंगाबाद के महुआ जैसा कांड ना हो जाए, इसलिए सरकार पहले से ही इसमें वो व्यवस्था कर रही है, उसको रेस्क्यू करा रही है लेकिन अब पब्लिक को समझाना है और समझा रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम? मैं रामेश्वर पटेल, बिटगार्ड खमरिया।